हेलो हेलो हाँ कौन जी आरिफ भाई साहब बोल रहे हैं? जी जी हाँ क्या है भाई? अरे आप बात करेंगे ना, हाँ बात तो करना है। कल भी मैंने आपके पास किया था काम और हाँ बात ये है ना कि जब आप करते तो मैं नहीं रहता, जब आप मैं करता हूँ तो आप नहीं रहते, मतलब नहीं ये। आपने किया ही नहीं। अगर आप करते तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अच्छा आपने मैं नहीं किया ही करता, नहीं। व्हाट्सएप पे देख ले बाबू, ठीक है? व्हाट्सएप जी पे तो मैसेज किया था ना बात करने के लिए। नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मैंने, व्हाट्सएप पे उससे कबल मैंने कह दिया था कि जो है आप कॉल करें, ठीक है? हाँ तो क्या बात करना है आपसे? हाँ तो आप मतलब गुरु में डींगे मार रहे थे, अपनी आवाम को उल्लू बना रहे थे। नहीं बात देखो मैं क्या बताता, मैं कहा था कि किसी भी टॉपिक पे बात करनी तो आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? मैं तो मौलवी अहमद रजा बरेलवी के कुफ्र ईमान पर बात करूंगा। वाह बहुत अच्छी बात है यार, आप जी असल अपने सामने सबसे मानते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अपनी किताब में लिखते हैं कि अहमद रजा मुसलमान थे। नहीं तरतीब से बात करो कहाँ, वो तो इंशाल्लाह वो अलग मसला हो जाएगा। क्यों ये अलग मसला देखो होगा? जब आप फिर दो टॉपिक अच्छा हो ठीक है जाएंगे रुको ना। रुको रुको एक रुको टॉपिक ये बताओ। है, एक टॉपिक ये है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, अपने ही उसूल और अपनी तहरीरात और अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात और उनके फतावाजात और उनकी कुतुब की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है। ये अलग एक मौजू है। और दूसरा मौजू ये नहीं है, सुनो, क्या अकाबरीन देवबंद की नज़र में अहमद रजा बरेलवी मुसलमान या काफिर, ये अलग मौजू है। पहले हम इस मौजू पे बात कर लेते हैं, फिर आपसे उस मौजू पे बात होगी। ये अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग मौजू है, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ बिल्कुल। जी आपको लगता है कि आप इसी मसले पे बात कर लें कि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला ने काफिर ही क्यों काफिर हैं, ठीक है? इसी पे बात कर ली जाए तो बेहतर जी होगा। जी जी वही हाँ मैं वही तो मैंने मौजू रखा है तो कि आप मौलवी अहमद सही रजा से किस तरह बरेलवी से, हाँ मुसलमान है या काफिर है, ये मौजू है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हाँ और बताओ आप हाँ, किस तरह और से काफिर हैं मुसलमान। हमारा दावा भी सुन ले, तरतीब से बात होगी इंशाल्लाह संजीदगी के साथ, हाँ बोलिए। ठीक है? हमारा दावा ये है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपनी ही तहरीरात और अपने ही उसूल और अपनी ही कुतुब और अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात और उनकी कुतुब और उनके उसूल की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, ये हमारा दावा है। साबित करें। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जवाब दावा पेश करें। नहीं आप इतराज किए ना कि वो काफी क्या नहीं तो काफी का पता है ना, साबित आपका करें। भी देखो, दावा के बाद जवाब दावा होता है कि नहीं? नहीं नहीं ये गलत है, पहले आप उसूल के साबित तहत करें हम बात करेंगे। बगैर दलील के, बगैर दलील को उनको मुसलमान मानता हूँ, मोमिन मानता हूँ। आप अब साबित करें कि वो काफी या नहीं, नहीं भाई देखो, उसूल मुनाजरा आपने पढ़े हैं ना? दिखाओ मत। ठीक है आपने इतराज किया कि वो काफी, तो भाई इतराज करने वाले के नहीं पास भाई, जवाब रहता है उसूल ना कि थोड़ी ना मुनाजरा भेज देगा। आप पढ़े हैं या ना? हम उसूल मुनाजरा पढ़े हैं, हमको मत बताओ, हाँ ठीक है? पहले तो आप उसूल साबित करें मुनाजरा कि वो में काफी ये या भी नहीं। आप पढ़े होंगे कि दावे के बाद जवाब दावा होता है, पढ़े हैं ना? देखिए हर सुन्नी सही रखी मुसलमान का ये नजरिया, ये अकीदा कि देखिए इमाम अहमद रजा जनाब, खान रहमतुल्लाह नजरिया ताला और का मतलब अकीदा मैं नहीं पूछ रहा मुसलमान हूँ, है वो भी नहीं। और मैं मैं आपके ही बरेलियों का, किताब से, रजा सुनिए खानियों सुनिए बात, का, सुनिए बेटा सुनिए, आप ही के नजरिए से, आप ही की किताब से मैं साबित करूंगा कि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला मुसलमान है। और आपके फैसला अशरफ खान के साथ कहते हैं कि उनके पीछे नमाज हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर वो काफिर होते तो अशरफ खान के साथ उनको ये कहते कि उनके पीछे नमाज हो जाएगी, अच्छा काफिर के अच्छा पीछे नमाज होता अच्छा है? सुभानी रजा साहब सुनिए, जी। जो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आप ये कह रहे हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी के पीछे हमारी नमाज हो जाती है, ठीक है ना? तो मुझे ये आप साबित करके देंगे
कि क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मौलवी अहमद रजा बरेलवी के कुफ्र और मुगल्लजात से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे? घटिया किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल मत कीजिए, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात करें। जी बिल्कुल, मैं भी प्यार ही से बात कर रहा हूँ, मैं कौन गुस्से से बात कर रहा हूँ, मैं कौन गालियों से बात कर रहा हूँ। आपके वाइफ को हर कोई सुनेगा और हर कोई सुनता भी है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो हम बात करते हैं ताकि जो है आवाम की इस्लाह हो सके। आपने कहा सुनिए, नहीं नहीं वो तो देखो मौलवी अहमद रजा बरेलवी को हम उसका नाम जो लेते हैं सही ही ले रहे हैं, लेकिन उसका कुफ्र और मुगल्लजात ठीक है ये अलग चीज है। देखो यार आपसे मैंने कहा कि संजीदगी के साथ बात करो, अदब से बात करो ठीक है, लेकिन आप जो है अपने मुजद्दद साहब की सुन्नत गलीजा को जिंदा कर रहे हैं। देखिए तमाम हजरात सर क्या कहना चाहता हूँ, सुनो मेरे भाई बात करते हैं उनके यहाँ। देखो आपके तेवर बदल गए, जब मैंने आपसे ये कहा कि आप जो कह रहे हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब के मुतालिक कहा है कि उनके पीछे हमारी नमाज हो जाती है, उसका कहते हो भाई आप ही बोल रहे हैं या मैं बोल लूं? अशरफ खानवी साहब इमाम अहमद रजा को आला हजरत भी लिखते हैं, रहमतुल्लाह ताला भी लिखते हैं, आप तो मतलब बड़े पेशवा के बात में मानते। ठीक ठीक, अब मैं आपसे बात करूं, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुका, प्यार से बात करिए, आप सुनिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करिए। सुनिए सुनिए बस आप खामोश हो जाए। आपने कहा सुनिए, आपने ये कहा कि आप साबित करें उसकी मुकाबले या नहीं। जी जी वही मैं साबित कर रहा हूँ, आपने ये कहा कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी के मुतालिक मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी नमाज उनके पीछे हो जाएगी, और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपने ये भी कहा कि वो आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह कहते हैं ठीक है। इसके मुतालिक हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि सुबहानी रजा साहब आप ये बताइए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो आप कह रहे हैं, तो क्या मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब के कुफरिया अकाइद का इल्म हासिल कर चुके थे? जी इसका आप मुझे जवाब देंगे, फिर आगे इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। वो तो देखिए हम सरासर कहते हैं, खुदा कहते हैं कि हमारी नमाज गैर मुकद्दिदों के पीछे जा। अब देखो भाग रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं है, आप जा मोमिन होने का मुसलमान होने का यही हकानियत कि हमारे पीछे सबकी नमाज हो जाती है। नहीं नहीं सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी जी जवाब दीजिए। और अशरफ अली थानवी साहब उन्हीं जाने की इमाम अहमद रजा के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? वो अच्छा जानते थे, बुरा जानते थे? वो अच्छा जानने के बावजूद ही उनको आला हजरत कहे, रहमतुल्लाह ताला अलैह कहे। अच्छा आपने उनको कुछ ने चेक किया, आप उनके बारे में जानते तो आप भाई बताएं ना किस किताब में लिखा यार वो काम। जी लो आप मुझसे उल्टा सवाल कर बैठे, कि मैं साबित करूं? नहीं बेटा देखो मैंने आपसे ये कहा कि जो देखने वाला सब जानते हैं कि आपने इतराज किया कि मौलवी अहमद रजा काफी है, तो आप उसके का फतवा दे कुछ। जी हाँ तो वही तो मैं साबित कर, आप अकाबरी ने देवबंद की तरफ जा रहे हैं, ये अलग मौजू है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपसे सवाल कायम पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए तो आपसे सवाल कायम कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, आप मुझे ये साबित करके देंगे कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी के तमाम अकायद व नजरियात जो कुफरिया हैं, शिरकियां हैं, गुस्ताखाना है, उनको जान लेने के बाद कहा? एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या सुनिए 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 सुबहानी रजा साहब कि वो काफिर हैं या मुश्रिक हैं, और मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि अकाबरी ने देवबंद की नजर में मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर है। ये लो भागा गालियां।